हाँ तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिस में, और आप देख रहे हैं एडुकेटिस गौरव सिंह। सो गाइस, दिस इज़ हेयर गौरव सिंह, और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये हमारी एक सीरीज़ है लेटर राइटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताने वाले हैं कि लेटर टू एडिटर, लेटर टू इंक्वायरी, लेटर टू कंप्लेन। ठीक है, तो फोर टाइप्स के आपके जो लेटर्स होते हैं उन सबके फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताएंगे विद एग्जांपल। ठीक है, और सारी चीज़ें एकदम करेक्ट फॉर्मेट बताएंगे, और ये भी बताएंगे कहाँ पे किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पे कौन से मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर लेटर टू एडिटर में पहला हमारा जो सीरीज़ है वो है लेटर टू एडिटर। सारी वीडियोस मैंने अलग बनाई हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। ठीक है, हाँ तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, हाँ जो देखिए, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आपका सेंडर्स एड्रेस अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वो डालेंगे। ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं मान के। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस तो देते ही हैं। फिर लेटर टू एडिटर में आपको फिर उसके बाद ये जो डैश वाली लाइन दिख रही है डॉट डॉट फॉर्म में, इसका मतलब है आपको एक लाइन लीव करनी है। ठीक है, एक लाइन आपको लीव करनी है, उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको लिखना है डेट। ठीक है, अपडेट कौन सी भी जो भी डेट को आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डॉट डॉट लाइन मींस आपको एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, इन टू और थ्री लाइंस आप लिख सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस ही एड्रेस भी टू और थ्री लाइंस में लिख सकते हैं। रिसीवर्स एड्रेस में आप कोई भी न्यूज़पेपर को लिख सकते हैं, जो भी जिसको भी लिखना चाहिए, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, टू द एडिटर। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कि किस बारे में आप लिख रहे हैं लेटर को। ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिया होगा सब्जेक्ट कि किस चीज़ से रिलेटेड है, कोई सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर आपको आपकी कॉलोनी में डिसीजेज बढ़ रही हैं, या फिर नगर पालिका से रिलेटेड है, मीन्स कोई जो भी वहाँ पर दिया होगा उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के डियर सर या मैडम जो भी हो वो आपको लिख सकते हैं। फिर आपको देखिए, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, इसको तो लिखना ही लिखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स दी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, टूवर्ड्स दी सैनिटाइजेशन, टूवर्ड्स दी क्लियरिंग, टूवर्ड्स दी पार्क मेकिंग। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में दिया है। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिखना है। उसके बाद आपका आएगा ये पूरा बॉडी लेटर आएगा। ठीक है, थ्री पैरा में लिखना है। अब आपको देखिए, पैरा वन में क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि आप क्या हैं और किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। दूसरे पैरा में आपको इसके बारे में डिटेल्स सीखनी है। ठीक है, और फिर आखिरी पैरा में, पैरा नंबर थ्री में आपको इसको कंक्लूड करना है। ठीक है, कि एट लास्ट आई वुड लाइक टू विश यू दैट एज सून एज योर वर्क शुड बी, एज सून एज दिस पार्क शुड बी डन और सैनिटाइजेशन शुड बी डन, या जो भी है वो आपको कंक्लूड करना है लास्ट पैरा में। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के लीव करना है। फिर आपको लिखना है वहाँ पे थैंक यू। ठीक है, थैंक यू के बाद आपको लिखना है योर्स ट्रूली। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं, योर्स में अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लेते हैं योर्स में। ठीक है, तो वो आपको नहीं यूज़ करना है। उसके बाद योर्स ट्रूली लिख के आपका जो भी क्वेश्चन में नेम दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपको डेजिग्नेशन लिखना है, अगर आप इसको मतलब जो भी है कंसर्न सिटीजन है या जो भी है, अगर आपको दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर। अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे कहाँ पे मार्क्स कटते हैं। ठीक है, पहला तो टीचर आपको कभी कोई कंटेंट नहीं पढ़ता, वो आपका पहला फॉर्मेट देखता है, फॉर्मेट के पे दे देता है। ठीक है, हाँ, दूसरा आपका देखता है कि मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे देखता है, फॉर्मेट देखता है और स्पेलिंग मिस्टेक देखता है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ भी लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक और फॉर्मेट आपको बहुत ध्यान देना है, अगर वो आप कर लेते तो आपके 5 में 5, 10 में 10 भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। हाँ तो देखिए, अब आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हमारे लिखा है सेंडर्स एड्रेस जो कि है 23 रामपुर रोड दिल्ली। देन वी हैव टू लीव अ वन स्पेस वन लाइन। ठीक है, देन आफ्टर दैट 26 मार्च 2000 मीन्स द डेट, जो भी डेट आपको लिखना। फिर एक लाइन छोड़ के द एडिटर आई नेक्स्ट दिल्ली। ठीक है, आई नेक्स्ट एक दिल्ली का न्यूज़पेपर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप न्यूज़पेपर लिख रहे हैं जहाँ का भी है वहाँ का न्यूज़पेपर आप लिख सकते हैं। फिर आपको एक और लीव लाइन करनी है। ठीक है, लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है कंसर्न ओवर ग्रोइंग एक्सीडेंट ऑफ रोड रेज इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को लेके यहाँ पे
कंसर्न किया जा रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डियर सर लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है देखिए, टू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स द सीरियस इशू ऑफ द ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज इन दिल्ली। Now and then we come across of these news of road rage where people start fighting on the roads on trivial issues. People are now overstressed these days and frustration is often displayed through such incidents. They started quarreling on a matter of small collision or honking or even in the issue of the parking. Generally, the fight starts verbally which turns into a physical fight. Many incidents of serious injuries and that of people have been reported so far. Hence, it needs immediate अटेंशन ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैरा वन और टू में बोला गया है, ठीक है। ये पहला तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, वो क्या है, ठीक है। और फिर उन्होंने मेन डिटेल लिखी है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए आखिरी पहला में वो कंक्लूड कर रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड विद स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन टू स्टॉप दिस एंड पीपल शुड ऑल्सो लर्न टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट इन ऑर्डर टू मेक दिल्ली रोड सेफ टू ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन ले इसके तहत, जैसे कि पीपल जो है थोड़ा पेशेंट हो, थोड़ा ये जो एक्सीडेंट है रोड रेज ये थोड़ा कम हो जाए। फिर उसके बाद इन्होंने एक लाइन छोड़ के लिखा है, थैंकिंग यू ऑफ इट्स योर स्टोली अक्षय, ठीक है। अक्षय क्वेश्चन में था इसलिए उन्होंने लिखा है। आपके क्वेश्चन में जो भी नेम या डेजिग्नेशन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अक्षय के नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, अ कंसर्न्ड सिटीजन, ठीक है। तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, और दैट इज़ लेटर टू कंप्लेंट।